हेलो दोस्तों, एजुकेशन का अड्डा चैनल में आप सब लोगों का स्वागत है। और जिन साथियों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और अधिक से अधिक शेयर करें। हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ेंगे और इसके अंतर्गत आइए पहले हम देख लेते हैं। अभी तक हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कंप्लीट कर लिया है और पास्ट इंडेफिनिट को भी हम पढ़ चुके हैं, तो होमवर्क चेक कर लेते हैं। आपको वाक्य मिले थे, मैं नदी पार कर रहा हूँ, हम क्रिकेट खेल चुके हैं, तुम फुटबॉल खेलते थे, राम पतंग बनाता है, वे सोमवार से गा रहे हैं, वह बोलती है, लड़कियाँ जाती हैं। तो आइए पहला आंसर देखते हैं, आई एम क्रॉसिंग द रोड। क्यों हुआ? क्योंकि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का वाक्य है, सब्जेक्ट जो है मैं है, आई है, तो आई के साथ क्या लगता है? एम लगता है, कंटिन्यूअस है, इसलिए इसमें हमने आई एन जी इसको लगा दिया है। दूसरा, तो वाक्य कितना भी बड़ा हो हमको इत्मीनान से सोचना है और बनाना है, फिर हर वाक्य आपसे बनते जाएगा, ठीक है ना। पहले हम खाली एकाध वर्ब लेते थे और बनाते थे, अब थोड़ा थोड़ा वैरायटी हम बढ़ा रहे हैं और आपका भी काम है कि आप जो है वर्ब पर प्रैक्टिस करते रहें। हम क्रिकेट खेल चुके हैं, तो ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य, तो हो जाएगा वी हैव प्लेड क्रिकेट, ठीक है ना, वी हैव प्लेड क्रिकेट। तुम फुटबॉल खेलते थे बोल रहे हैं, यानी कौन सा टेंस हो गया? पास्ट इंडेफिनिट हो गया, तो ये क्या हो जाएगा? यू प्लेड फुटबॉल। राम पतंग बनाता है, तो ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो ये हो जाएगा राम मैक्स काइट। वे सोमवार से गा रहे हैं, वे सोमवार से गा रहे हैं, यानी कौन सा टेंस हो गया? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? वे यानी प्लूरल है, तो दे, और कौन सा टेंस है? ये सोमवार से लिखा हुआ है, इसका मतलब यह जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो दे हैव बीन सिंगिंग सिंस मंडे। सिंस क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर निश्चित समय दिया गया है, तो दे हैव बीन सिंगिंग सिंस मंडे। वह खेलती है, कौन से टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो क्या हो जाएगा? सी प्लेज। और लड़कियाँ जाती हैं, तो क्या हो जाएगा? गर्ल्स गो। क्योंकि यहाँ पर जो है प्लूरल है, इसलिए हम क्या करेंगे? क्रिया का पहला रूप लगाएंगे और क्या हो जाएगा? गर्ल्स गो। अगला टेंस देखते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, और इस टेंस की पहचान हम हिंदी में देख लेते हैं। तो वाक्य के अंत में चूंकि ये कंटिन्यूअस है, तो इसलिए रहा, रहे, रही, इस प्रकार के शब्दांश आएंगे, और पास्ट है इसलिए रहा था, रहे थे, रही थी, ठीक है। तो जैसे हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बनाया था सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब में आई एन जी, उसी प्रकार इसमें भी जो है वही पैटर्न रहेगा। बस क्या बदल जाएगा? तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाएगा, उसमें इज़ एम आर था, इसमें वाज और वेयर है, इनमें से दो को हमको, दोनों में से एक को किसी को लगाना है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, और वर्ब में आई एन जी लगाएंगे और अदर वर्ड्स जितने भी हैं वो हम लिखेंगे, ठीक है ना। वाज का उपयोग कहाँ करेंगे? तो वाज का उपयोग सभी सिंगुलर नंबर के सब्जेक्ट के साथ हमको करना है, जैसे आई है, भले वो फर्स्ट पर्सन है ना, सिंगुलर है, सिंगल है, यानी जितने भी सिंगुलर रहेंगे, सिंगल रहेंगे, उनके साथ हमको वाज का इस्तेमाल करना है, आई, ही, शी, राम, काउ, गर्ल, एक्सेट्रा। और वहीं वेयर का उपयोग, वर्ब का उपयोग हम कहाँ करेंगे? ऑल प्लूरल नंबर सब्जेक्ट्स के साथ, जितने भी प्लूरल नंबर के सब्जेक्ट रहेंगे उनके साथ हमको वर्ब का उपयोग करना है, इस्तेमाल करना है, यूज़ करना है, ठीक है ना। यू, वी, यू, दे, बॉयज, काउजेस में पर्सन का कोई झंझट नहीं है, हमको सिंगल है कि प्लूरल है, एक वचन है या बहुवचन है, एक वचन है तो वाज लगाओ और बहुवचन है तो वेयर का उपयोग हमको करना है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं, वाक्य देख लेते हैं। मैं पानी पी रहा था, हम खेल रहे थे, तुम बोल रहे थे, राम बाजा बजा रहा था, वे सो रहे थे, वह बाजार जा रहा था, लड़कियां पढ़ रही थीं,
शिक्षक पढ़ा रहा था। तो ये हमारे पास वाक्य हैं, आप देख रहे हैं कि इन वाक्यों में रहा था, रहे थे है ना, रहा था, इस रही थी, इस प्रकार के जो है शब्दांश वाक्य के अंत में आता है। इसको देखकर हम पहचान सकते हैं कि ये कौन से टेंस का वाक्य है, पास्ट कंटिन्यूअस का वाक्य है। और यदि पास्ट कंटिन्यूअस का वाक्य है तो हमको सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वाज या वर और वर्ब में आईएनजी लगा के वाक्य को बनाना है। आइए बनाते हैं पहला वाक्य। पहला वाक्य है मैं पानी पी रहा था, तो आई है, आई के साथ हम कौन सा लगाएंगे, आई चूंकि सिंगुलर है इसलिए हम लगा देंगे वाज, तो ये हो जाएगा आई वाज टेकिंग मिल्क वाटर, पानी है तो आई वाज टेकिंग वाटर। हाँ, कुछ लोग बोल सकते हैं आई वाज ड्रिंकिंग वाटर, तो वो भी सही है ड्रिंक यानी पीना, लेकिन जो है ड्रिंक का इस्तेमाल जो है वाइन के लिए ज़्यादा किया जाता है, इसलिए हम खाने पीने की चीज़ों के लिए लेने के लिए क्या लगाएंगे, टेक का इस्तेमाल हम करते हैं। हम खेल रहे थे, तो ये हो गया वी प्लूरल है इसलिए वी वर प्लेइंग, हम खेल रहे थे है ना, वी वर प्लेइंग, क्रिकेट की आवश्यकता नहीं है यहाँ पर, वी वर प्लेइंग। तुम बोल रहे थे, तो ये हो जाएगा यू वर स्पीकिंग, राम बाजा बजा रहा था है ना। किसी भी चीज़ को बजाना, प्ले यानी खेलना होता है, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि हम खेलने के लिए उपयोग करें, प्ले का उपयोग जो है बजाने के लिए भी उपयोग किया जाता है, जैसे हम बांसुरी बजा रहे हैं, हारमोनियम बजा रहे हैं, कोई भी वाद्य यंत्र यदि हम बजा रहे हैं तो उसके लिए प्ले का उपयोग किया जाता है। तो ये हो जाएगा राम वाज प्लेइंग ड्रम। वे सो रहे थे, तो दे वर, चूँकि प्लूरल है इसलिए वर लग जाएगा, दे वर स्लीपिंग, वह बाजार जा रहा था, सिंगल है तो वाज लग जाएगा, क्या हो जाएगा, ही वाज गोइंग टू मार्केट, लड़कियां पढ़ रही थी तो क्या हो जाएगा, गर्ल्स वर रीडिंग, शिक्षक पढ़ा रहा था, शिक्षक एक है तो क्या हो जाएगा, टीचर वाज टीचिंग। ठीक है, तो वाक्य बहुत सरल होते हैं, आपको बस थोड़ा सा रिवाइंड करना है नियमों को, सब्जेक्ट कौन सा है और क्या लगेगा, इतना सोच के यदि हम बनाएंगे तो कोई भी मिस्टेक हमसे नहीं होगी। ठीक है, आगे चलते हैं होमवर्क। होमवर्क जल्दी जल्दी आप नोट कर लें, मैं पढ़ रहा हूँ, हम जनवरी से यह काम कर रहे हैं, तुम स्कूल जा रही थी, सचिन शतक बना चुका है, वे दौड़ते हैं, वह पत्र लिखती है, किसान हल जोत रहा है। तो ये सभी अभी तक हमने जितना भी पढ़ा है उसको मिक्स करके दिया गया है ताकि आप उनको भी पढ़ते रहें और अच्छे से आप पढ़ें और इन सबको बनाएं।